अभी जो भी मैं बोल रही हूँ पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी गुड नून हो चुका है. तो गुड नून एंड गुड मॉर्निंग एज वेल. सो अभी एक नया ब्लॉग, आप सब शायद अच्छे ही होंगे. आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन एंड वेल एंड ऑल्सो हेल्दी. सुबह सुबह बहुत सारा काम था, कल से मेरा काम शुरू हो चुका है. अब आप सोच रहे हो कि क्या काम था मेरा. यस यू गेस इट राइट, और एक बर्थडे आ गया. हाँ, तीन तो मेंबर है, दोनों का बर्थडे हो गया, तो बाकी कौन रहा, अमर्त्य, उसी का बर्थडे है आज. इसीलिए कल से मेरा प्रिपरेशन पूरा स्टार्ट हो चुका था. मैंने सोचा था कि इस बार बर्थडे में ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ खाने का, क्योंकि खाने के बजाय कुछ जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करें, कुछ अच्छे इंडियन डिशेज बनाए जाए. जो मैंने कुछ इम्प्रोवाइज किया, कुछ खुद का है, मतलब ऐसा करके कुछ बनाया. तो फिर मैंने चार डिशेज बनाई हैं अलॉन्ग विथ राइस और पांच टाइप्स के फ्राइज और खीर. खीर अभी बन रहा है, ऑन प्रोसेस. यस, सो आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए. आज उसका बर्थडे है. यहाँ पर बर्थडे बॉय सीन में नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं क्या कर रहा है. तो ये रहा बर्थडे. अरे हेलो, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग टू बूमरैंग. यस, और एक बर्थडे व्लॉग. और एक बर्थडे व्लॉग, तो हमारा बैक टू बैक बर्थडे व्लॉग्स आ रहा है अभी. हम लोग का ना ऐसा ही है. मैं हम लोग का बैठ जाता हूं. हाँ, तो हम लोग का फुल फैमिली का ना, वेट. हाँ, ठीक है. हम लोग का फुल फैमिली का ना ऐसा ही है. मेरे बच्चे से शुरू होता है और मेरे फादर इन लॉ के बच्चे से खत्म होता है. Exactly. तो और वो भी तीन महीने के बीच सब सबका बर्थडे हो जाता है. मतलब ऐसा ही है, मेरा पहले, फिर कीगान का, फिर कीगान के बाद मेरी मम्मी का, उसके बाद इसका, उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर का, उसके बाद उसकी मम्मी का, और फिर पापा का, और खत्म. तो बस यही चलता रहता है. इसीलिए ये जो तीन महीना है ना, इसमें सब कुछ हो जाता है. हाँ. और पूरा ईयर ना ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ हाँ. नहीं करते. ये हमारे फैमिली का बात कर रहे हैं कि मैं दिब्बो और कीगान. दिब्बो उसका निक नेम है. हाँ, वो. सो मैं अमरत्य और कीगान. तो ये फैमिली हम लोग का भी बाद है. लाइक बहुत 22nd उसका है, 27th उसका, 3-4 दिन बाद 27th उसका, और एक हफ्ते बाद मेरा. सो आज है 8th, कीगान बैठ गया है. लेकिन चलो कीगान को ले आते हैं. आप पता नहीं, आप देख सकते हो या नहीं, वो ना ऐसे बैठा हुआ है वहाँ पे. खाली बैठा हुआ थोड़ी है. उसको मैंने सुलाया था क्योंकि मुझे फ्राइज बनानी थी और खीर बनाना था, तो इसीलिए तब थोड़ा तक सोया था, फिर अभी उठ गया. तो बाकी सब कुछ रेडी है, जस्ट खाने को बैठेंगे एंड दैट्स इट. और शाम को केक कटिंग है, हम दोनों ही है. केक लाया है मैंने और उसका गिफ्ट्स भी कुछ है, तो ज़रूर दिखाऊंगी मैं. और उसके साथ और एक चीज़ है, कल रात को बहुत ही स्पेशल चीज़ था कि अमर्त्य को बहुत पसंद आया. आई थिंक दिस इज हिज बेस्ट गिफ्ट टिल नाउ. वो साइड से बोल रहे हैं, वो सरप्राइज रहने दो, वो मैं बाद में दिखाता हूँ. तो वो भी बहुत बहुत एक अच्छा सा फीलिंग था कल रात को. इट फेल्ट रियली नाइस. और अभी तो मेरा गिफ्ट्स बाकी है, अब धीरे 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 टाइम जाएगा और मैं दूंगी. So let's see, कब तक क्या होता है. जाते हैं किचन में, करते हैं काम, आते हैं लौट के, फिर खाने बैठते हैं और दिखाते हैं. अब तक आ गया कीगान, देख लीजिए आप उसको भी. अरे बाबा जी, बाबा जी, ये रहा फैमिली, एक दो. तो फिर ठीक है, सबसे बड़ा मेंबर यही है. हाँ. उससे बड़ा ये है और सबसे छोटा मैं हूँ, क्योंकि आपको मैं दिखा दूंगा आज का डेकोरेशन भी कमाल का होने वाला है. कमाल का फर्स्ट ईयर बर्थडे. वो भी एक्चुअली मैं बता क्यों दे रहा हूँ, वो भी सरप्राइज रहने दो. आज के तो बम्बा में बर्थडे. हाँ बाबा, बर्थडे तो तुम की खाबे तुम. तो फिर हम लोग आ गए फिर से. खाना यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रख दिया है सब कुछ, मतलब जितना जो लेना है वैसे हिसाब से डिवाइड करके. देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ एक बार. और वहाँ है बर्थडे बॉय का खाना और ये है पायश खीर. तो फिर देख लीजिए क्या क्या है. Thank you.
बेसन आलू, यह है ड्राई चिली पनीर, यह है प्रॉन का एक बहुत खास बंगाली प्रिपरेशन जो है चिंगड़ी मच्छर मलाई करी, और यह है स्पिनच चिकन जो मैंने स्पिनच और बेरिस्ता के साथ बनाया, यह है फ्राइज, और यह है खीर जिसमें शुगर नहीं है पर काफी सारा कंडेंस मिल्क और क्या है, और जैगरी है। अभी बैठ जाते हैं और फिर बहुत सारा खाना कर पहले से... तुम खा लो। नहीं, कीगान को खिलाना है ना, क्योंकि कीगान अभी वो राइस उतना खाने में हैबिचुएटेड नहीं है, खाएगा तो फिर पूरा। पर हम लोग फिर एक साथ ही खा सकते हैं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, पहले तुमको खीर तो खाना है ना। पहले खीर खा लो। खा लेता हूँ और फिर बहुत मतलब बहुत सारा मेहनत करके स्निग्धा ने भी कल से बनाई है, तो फिर ऑब्वियसली बहुत अच्छे से टेस्ट तो करना ही है अभी खाना। टेस्ट क्यों, खाना ही है बहुत। तो बस यही खाने के बाद फिर अपना फीडबैक देना कैसा हुआ था। ऑब्वियसली खाने के बाद आपसे मिलते हैं और देते हैं ईच एंड एवरी फीडबैक, सर्जिकल फीडबैक जिसे कहते हैं वैसे देंगे। तो अभी खीर टेस्ट करना है पहले। बहुत गर्म है। इतना गर्म नहीं है। ओके। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। यू लाइक इट? यस, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं जो है ना, मैं खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ, पर खीर उतना मैंने बनाया नहीं है। एक बार ही ट्राई किया था, अच्छा नहीं बना। ये एक्चुअली ना, मैं इसका रिव्यू अभी दे देता हूँ। इसका टेस्ट ना एक्चुअली पायस जो बोलते हैं, पायस कम और खीर ज्यादा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और जैगरी है इसमें, तो फिर इसलिए टेस्ट और भी। हाँ, जैगरी और कंडेंस मिल्क, इसलिए मैंने इसमें बहुत अच्छा गया है। इसीलिए मैंने जैगरी कंडेंस मिल्क के साथ शुगर नहीं दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। टू मच, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल है। फिर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है। बिग थम्स अप। तो हो गया खाना, बहुत खाए एकदम भर के, मतलब पूरा फुल हो गया मैं तो। पर जैसे मैंने बताया था, शायद आप लोगों को वीडियो में भी दिखेगा, मेरे थाली में कुछ नहीं था, कुछ नहीं बचा था। तो मैंने प्रॉमिस रखा है, जो स्निग्धा को मैंने प्रॉमिस किया था, तो वो मैं रखा है। मैं आया भी तो फीडबैक देना है। तो सभी खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था, तो मुझे तो चारों डिश बहुत पसंद आया। पर उनमें से अगर मेरे को चूज करने के लिए बोलोगे तो फिर मुझे वो चिंगड़ी माचर मलाई करी जो बंगाली में बोलते हैं, तो प्रॉन करी, बेसिकली एक स्पेशल टाइप प्रॉन करी होता है, वो उसमें मिल्क देके और कोकोनट ग्राइंडेड कोकोनट रहता है, तो वो देके थोड़ा स्वीट प्रिपरेशन रहता है, तो वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इसीलिए क्योंकि मुझे प्रॉन इट्सेल्फ बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो मुझे बहुत ही ज्यादा उन चारों में से थोड़ा ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा वो जो आलू बेसन का जो प्रिपरेशन स्निग्धा ने बनाई थी, वो एकदम यूनिक था, वो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, वो स्निग्धा ने भी कभी नहीं बनाई है, तो पहली बार बनाई थी और वो टोटल सक्सेस था। तो पनीर तो था ही बहुत टेस्टी और चिकन भी काफी अच्छा था। ओवरऑल ऑल द फोर डिशेस वर रियली सक्सेसफुल, और जो पायस या पायसम या खीर जो भी बोलो आप, जो स्निग्धा ने बनाई थी, वो तो मैंने पहली फीडबैक दे चुका हूँ, वो बहुत ही टेस्टी था। क्यों टेस्टी था वो भी मैं बता चुका हूँ। और स्निग्धा ये खीर लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहती, क्योंकि वो खीर उतना अच्छा नहीं बना पाती, पहले वो ट्राई कर चुकी है पर उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, कुछ इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए इस बार भी वो थोड़ा कंफ्यूज थी, पर आखिरकार इस बार सक्सेस मिल ही गई, उसे सक्सेस मिल ही गया और एकदम बहुत टेस्टी था। देखो बंगाली हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर जेंडर हो ही जाता है, ये आप लोगों को भी अभी पता है ना, तो मेरा तो वो हो जाता है और उसी से मैं काम चलाता हूँ, और होपफुली आप लोग समझ में भी आप लोगों को आता है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। मतलब मैं शुरू के दिन से ये बोल रहा हूँ, तो शायद प्रैक्टिस के साथ साथ ये बेहतर हो जाएगा,
पर अभी फिलहाल इतना ही है, मेरा एक्सपर्टाइज या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो होपफुली गेट्स बेटर विद प्रैक्टिस। जैसे मेरा जर्मन अच्छा हो गया है, थोड़ा भाव तो खा ही सकता हूँ ना, मतलब जर्मन तो मेरा अच्छा हो ही गया है ना। हाँ, वो तो है। वो खुद का भाव अभी आज खा ही सकते हैं। हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत बर्थडे है तो खुद, अगर कोई भाव नहीं दे रहा है तो खुद ही ले लेता हूँ भाव, मतलब क्या है इसमें। तो ठीक है, चलो फिर ज्यादा नहीं लंबा करते, ऑलरेडी लंबा हो चुका है बात करते करते आप लोगों के साथ। तो अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे। स्निग्धा अभी कीगान को लेके जंप कर रही है, जो उसका तो जंपिंग बेबी वहां पर है। तो अगर वो सो जाता है तो स्टार्ट हो गया है, एक एक करके गिफ्ट देना। हाँ, एक गिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, एक टी शर्ट बहुत अच्छा, एक टैंक टॉप टाइप स्निग्धा ने मुझे गिफ्ट किया है, तो वो मैं शाम को दिखाने वाला हूँ या फिर मैं पहनने वाला हूँ, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। वो बहुत बहुत रिलैक्सिंग है, घर में पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बाकी अभी वो अगर सो जाता है तो फिर हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे अभी, क्योंकि स्निग्धा का भी कल से चल रहा है कंटिन्यूअसली। तो फिर हाँ, और कुछ नेटफ्लिक्स में अगर कुछ ज्यादा अच्छा मूवी आया है तो फिर वो भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। काफी सुबह से चल रहा है और कल से चल रहा है, अब किचन में जाना नहीं है, अभी बस यहीं पर बैठ के थोड़ा सा मूवी देखना है, उसको देखते हैं अगर वो सोता है, और फिर थोड़ा सा मूवी वो भी देखेंगे। शाम तो हो ही जाएगी, फिर केक काटेंगे, रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे, शायद फोन करेंगे कजिन्स लोग के साथ। तो बस यही है प्लान, नॉर्मल जैसा प्लान रहता है वैसा ही है, वैसा कुछ खास नहीं है। बस फ्रेंड्स लोग ने और फैमिली मेंबर्स ने विश वगैरह किया, कॉल वॉल किया, बस यही सब था, अच्छा लगा बहुत। और फिर अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर ज्वाइन करते हैं इवनिंग का।